नमस्कार बच्चों, मैथा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन माध्यम से आपके संस्कृत के अंदर समास को पढ़ेंगे। देखिए, माध्यम शिक्षा बोर्ड के द्वारा समास में जो आपके कम किए गए टॉपिक हैं उनमें समास में केवल आपके अव्ययीभाव समास लिया गया है। कौन सा रखा गया है? अव्ययीभाव समास। बाकी समासों को हटा दिया गया है। आज हम अव्ययीभाव समास को पढ़ेंगे। इससे पहले हम समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए बच्चों, समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं? समसनम समास है, अर्थात संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करना समास होता है। अब देखिए, संधि में आपके अधिक ये क्या थे, दो वर्ण होते थे, लेकिन यहां पे क्या है, दो पद हैं। दो से अधिक भी हो सकते हैं पद, लेकिन कम से कम दो पद होना आवश्यक है। तो जो पद होंगे उनको छोटा जब करेंगे, संक्षिप्त करेंगे हम, तो वह क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। यथा जैसे आप कह ले सकते हैं हरौ इति अधिहरि विष्णु पश्चात अनु विष्णु, जैसे आपके कृष्णम सीतः कृष्ण सीतः, जैसे आपके कृष्ण जैसे आपके कृष्ण सर्प है, जैसे पीताम्बर है, पीतम क्या बन जाएगा, पीताम्बर है। जैसे आपके और उदाहरण, जैसे सर्पात बीत है, सर्प बीत है। जैसे आपके अन्य उदाहरण है रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णौ क्या बन जाएगा, राम कृष्णौ। जैसे आपके और उदाहरण है, जैसे दशम आननम यस्य च दश आनन है, इत्यादि उदाहरण है कई। तो यहां पे देखिए दो पद हैं ये अलग अलग, इनको मिला करके छोटा करके, क्योंकि अगर जैसे देखेंगे हम कि समास जब होता है तो समास विग्रह होता है, एक तो होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह ये हो गया। अलौकिक विग्रह में क्या होगा कि आपके इसके साथ में विभक्ति भी आएगी, जैसे आपके कृष्णम सीता है, अम है यहाँ पे विभक्ति, इस प्रथम अभिव्यक्ति है, यहाँ पे कृष्ण सर्प है, यहाँ पे सु और प्रथम अभिव्यक्ति है दोनों में। तो यहाँ पर विभक्तियों को हटा करके उनको छोटा किया जाता है, वही आपके समास कहलाता है। एक बार लिख लीजिए आप इसको। अब आगे देखिए आप समास के भेद क्या आएंगे।
समास के भेद। आपको पता है समास कितने प्रकार के होते हैं? समास है पंचधा, पंचधा का मतलब पांच। समास कितने प्रकार के हो गए? पांच प्रकार के हो गए। लिख लो एक बार नाम इनके। पहला है केवल समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है आपके द्वंद्व समास, और पांचवा है आपके बहुव्रीही समास। तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, समास और दूसरा द्विगु समास। लिख लो एक बार इसको। अब देखिए सर्वप्रथम आया आपके केवल समास। क्या आया? केवल समास। अब देखिए इसकी विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है। केवल समास है अर्थात विशेष संज्ञा से रहित, विनिर्मुक्ता का मतलब मुक्त हो, यानी जिसमें कोई विशेषता नहीं पाई जाए, कोई विशेष संज्ञा ना हो, पूर्व पद उत्तर पद की कोई विशेषता ना हो, तो ऐसे समास को क्या कहेंगे? हम केवल समास कहेंगे। जैसे पूर्वम भूतः, भूतपूर्व, वागर्था वागर्थौ विव इव, वागर्था विव, यानी ये जो समास है उसमें कोई विशेषता नहीं पाई जाती है, केवल ये समास पंचधा होते हैं। तो पांचवा जो समास है उसको बताने के लिए समास लिया गया है। देख लो इसको। दूसरा देखो, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है पूर्व पद पदार्थ प्रधानो, पूर्व पद पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास है। अब इसको देखिए क्योंकि आपके सिलेबस में भी है ये, एक बार अच्छी तरह इसकी परिभाषा देखिए। पूर्व पद पदार्थ प्रधान है, यानी वह समास जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो, साथ में पूर्व वाला पद क्या हो? अव्यय हो, क्योंकि अव्ययी भाव समास है तो अव्यय होगा, ठीक है ना। तो वह समास जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, वह पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब देखिए
अव्यय भाव समास में क्या हुआ, पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो और क्या हो, अव्यय हो। तो आपको पता अव्यय किसे कहते हैं, न वेति इति अव्यय। मैंने बताया था आपको 9th क्लास में कि न वेति इति अव्ययम्, यानी जिसका व्यय नहीं हो, जिसके टुकड़े नहीं हो, जो हर जो विभक्ति पुरुष वचनों में समान रूप से चले, वो क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। ठीक है, और साथ में क्या है कि इस पद इस समास के अंदर जब समास बन जाता है, पूर्व में अव्यय लग जाता है, तो पूरा जो समासिक पद होता है वह क्या होता है, अव्यय होता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या हुआ कि पूर्व पद पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास है, वह समास जिसमें पूर्व पद प्रधान हो वह क्या हो, पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो। सामान्यतया ऐसे नहीं, कई इनके मतलब उदाहरण अलग और भी होते हैं जिनमें अव्यय नहीं होता है फिर भी वो अव्यय होते हैं, तो वो आगे देखेंगे हम। लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है, अव्यय होता है, और वह समास क्या कहलाता है, आपके अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे अधिहरि है, अनुविष्णु है, जैसे आपके उपकृष्णम है, जैसे उपकृष्णम के अलावा आपके सहहरि है इत्यादि। तो ये आपके क्या है, इनके उदाहरण है, लिख लो आप इसको एक बार। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है वृत्ति, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल यही समास है, बाकी समासों को अभी हटाया गया है, केवल उसकी जानकारी के लिए हम पढ़ेंगे कि कौन सा समास है, बाकी आपको ये विशेष ध्यान में रखना है। पढ़िए आप, देखिए इसको। तीसरा आपके तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद पदार्थ प्रधान प्रधानो तत्पुरुष समास है। यानी अव्यय भाव में क्या था, पूर्व पद प्रधान था, इसमें कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद है। जैसे कृष्णम श्रितः, संकुला संकुलया खंड है, संकुलाखंड है, भूतेभ्यो बलि भूत बलि इत्यादि। तो आप देखिए इस समाज में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, जैसे कृष्णम श्रित है, कृष्ण पे आश्रित, संकुलाखंड है, सरोती से किया गया, कुल्हाड़ी से किया टुकड़े, भूतेभ्यो बलि भूत के लिए बलि या पितरों के लिए बलि, ये आपके इसमें क्या हो गया, उत्तर पद प्रधान हो गया। लिख लो इसको, अब आप देखिए इसका एक उदाहरण मैंने बताया था, इसके भेद हैं। पहला भेद है आपके इसमें कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होगा कि विशेषण और विशेष्य में जो समास होगा वह कर्मधारय होगा, उपमान उपमेय में जो समास होगा कर्मधारय होगा। तो कर्मधारय में क्या होता है कि दोनों जो पद होते हैं उसमें समान विभक्ति होती है,
मुख्य रूप से वह क्रमधारय समास है, अर्थात दोनों पदों में समान विभक्ति होने पर कर्मधारय समास कहलाता है। इसके अलावा विशेषण और विशेष्य, उपमान उपमेय, इनमें भी जो समास होगा वह भी क्या कहलाएगा? कर्मधारय। अब देखो विशेषण विशेष्य, पता है आपको विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्य। विशेषण कहेंगे कि किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य कहेंगे जिसकी जिसका जिसको हम संज्ञा विशेषता दे रहे हैं। जैसे आपके कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प में कृष्ण विशेषण हो गया, सर्प संज्ञा हो गया, विशेष्य हो गया, तो काला सर्प विशेषता हो गई इसकी, तो यहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय। उपमान उपमेय, जैसे चंद्र इव सुंदरम, चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा की क्या दे रहे हैं? उपमा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? चंद्रमा की, किसी व्यक्ति को विशेष को दे रहे हैं, इसलिए उपमान उपमेय है, तो वहां पर भी आपके क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। उदाहरण जैसे हम इसका ले सकते हैं, कृष्ण सर्प है, व्याघ्र पाद है, महाशय है, महाराज है, इत्यादि। देख लीजिए एक बार इसको, अब देखिए इसका दूसरा उदाहरण है, इसका द्विगु समास। द्विगु समास की प्रति होगी, वृत्ति होगी आपके संख्या पूर्वोद्विगु, अर्थात वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाची व उत्तर पद संज्ञावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। अर्थात देखो संख्या पूर्व द्विगु, यानी पूर्व में क्या हो? संख्या हो, वह समास जिसमें पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो, और उत्तर पद क्या हो? संज्ञावाची। जैसे पंचवटी, ठीक है, त्रिभुवनम, जैसे त्रिनेत्रम, जैसे पंचपुत्रम इत्यादि। तो इसमें देखो पंच, त्रि, त्रि, पंच, चतुर्युगम, ठीक है ना, चतुर्युगम, चार युग। तो इस प्रकार से पहला जो पद है उसमें कौन से क्या हो गया? संख्या, और द्वितीय पद है, उत्तर पद है, वह हो गया संख्या वाची जो है। इस प्रकार से ये आपके समास होगा। इसमें लिख लो इसको,
देखिए अब चौथा है आपके, द्वंद समास। अब देखिए चार थे, द्वंद है, दो पदों के बीच में अगर चय का प्रयोग हो रहा हो, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, चय का प्रयोग होने पर पदों के साथ चय का प्रयोग हो और उभयो पद पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास है। उभयो, उभयो यानी दोनों, अर्थात दोनों पद प्रधान होने पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। यानी जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे, अर्थात दोनों ही संज्ञावाची शब्द हों, ऐसे ऐसा समास जो है वो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे राम कृष्णौ, जैसे राधा कृष्णौ, जैसे माता पितरौ, जैसे राम लक्ष्मण भरता। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे दोनों पद प्रधान, जैसे राम कृष्णौ रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, राधाश्च कृष्णश्च राधा कृष्णौ, माता च पिता च माता पितरौ, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, राम लक्ष्मण भरतः। क्योंकि कौन सी व्यक्ति हो गई, बहुवचन कौन सा हो गया, बहुवचन हो गया प्रथमा का, इसलिए यहां पर सु औजस लगने के बाद भरतः बहुवचन के अंदर ये रूप बनेंगे। तो ऐसा होने पर वहां पे कौन सा समास होगा, द्वंद समास होगा। लिखो इसको, अब देखिए पांचवा है आपके, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि अन्य पद पदार्थ प्रधानों, बहुव्रीहि समास है। अब यहां पे देखिए अन्य पद, यहां पे अव्ययीभाव में क्या था, पूर्व पद था, तत्पुरुष में क्या था, उत्तर पद था, द्वंद में क्या था, दोनों पद थे, ठीक है ना। केवल समास में क्या था, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, अर्थात विशेष संज्ञा नहीं थी। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान, यानी सॉरी अन्य पद प्रधान, तो देखो वह समास जिसमें अन्य पद प्रधान हो, वह समाज जिसमें अन्य पद प्रधान हो बहुव्रीहि समास कहलाता है। यथा जैसे दशानन है, दशानन हो गया, जैसे द्विमूर्धि हो गया, जैसे आपके पीतांबर हो गया, जैसे श्वेतांबर हो गया,
जैसे इसके अलावा और है, लंबोदर हो गया इत्यादि। अर्थात देखो, अन्य पद का मतलब हो गया कि जब हम समास विग्रह करें तो उसमें जो विग्रह है उसको ऐसा लगे कि अन्य पद, अन्य नाम निकल रहा हो। जैसे दशम आननम यस्य स है, दस है सिर जिसके, दशानन। द्वौ मूर्धौ यस्य स है, द्विमूर्धि दो मुंह वाला। पीतम अंबरम यस्य स है, पीत है अंबर यानी वस्त्र जिसके पीताम्बर। श्वेत है वस्त्र जिसके श्वेताम्बर। लंब है उदर जिसका लंबोदर है, लंब उदरम यस्य स है लंबोदर है। तो यहां पर कौन सा पद हो रहा है प्रधान? अन्य पद, अर्थ का निकल रहा है अन्य का, इसलिए यहां पर ये कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। लिख लो एक बार, अब देखिए बच्चों, हमारे सिलेबस के अंदर अव्यय भाव समास ये दे रखा है, तो हम एक बार इसको अच्छी तरह एक बार और देख लेते हैं विधिवत रूप से। तो देखिए, अव्यय भाव मैंने बताया था कि पूर्व पद प्रधान है। कौन सा प्रधान हो? पूर्व पद प्रधान। और पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। अब इसके लिए एक श्लोक, एक सूत्र दे रखा है व्याकरण में आपके, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि भावा अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योगपद्य साकल्यांत वचनेषु। ये एक सूत्र है, यानी इन इनके लिए आपके, इन इन योगों के अंदर आपके अव्यय भाव समास होता है। तो कुछ उदाहरण आपको हमें देखने हैं, विग्रह समास विग्रह और दोनों देखने हैं हमें, ठीक है। जैसे आपके हरौ इति अधिहरि, ठीक है, इसके साथ में विष्णु पश्चात अनु विष्णु, कृष्णस्य समीपम उपकृष्ण, ठीक है ना। इसके अलावा और उदाहरण है आपके, लिखो इसको, नद्धा समीपम उपनद्धम, देखो हिमस्य अत्यय अतिहिमं मक्षिकाणाम अभाव है, निर्मक्षिकम निर्मक्षिकम, जैसे आपके और लिखो, लिख लो इसको और दिखाते हैं, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, लिख लो इसको, हाँ।
ब्रह्म रूपस्य योग्यम अनुरूपम, ठीक है ना? देखो जैसे अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम एकम एकम प्रति, एकार्थम प्रत्येकम एकम एकम प्रति प्रत्येकम। देखो इसको यह आपके उदाहरण है अव्ययीभाव समास के, इसके अलावा कुछ और उदाहरण है बता देंगे और आपको, तो आपको इनको ध्यान में रखना है, पढ़ना है, समझना है और थोड़ा वर्क दे रहा हूं मैं आपको उसको।